एक बार जोर से बोलना पड़ेगा आपको। आज जब जैसे प्रोग्राम चलाया आपने, हाँ जी दिक्कतें आ रही है तो क्या करेगा? देखो आजकल कोविड के बाद हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको कमर दर्द बैड पॉस्चर की वजह से हो सकता है। बहुत सारे मरीज ऐसे आ रहे हैं जो कॉर्पोरेट साइड से हैं जिनको स्लिप डिस्क या शाटिका की तकलीफ रहती है। ऐसे पेशेंट्स को देखो हमारी ये सलाह रहेगी कि आप अपना पॉस्चर ठीक रखें। स्पाइनल अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे पॉस्चर के लिए, एक अच्छे पॉस्चर के लिए। इसके लिए विटामिन डी लेवल्स, कैल्शियम के लेवल्स और प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए। कितने पेशेंट्स ओवरऑल मतलब देखो स्पाइनल प्रॉब्लम्स बच्चों में भी हो सकती हैं, मिडिल एज में भी हो सकती हैं और ओल्ड एज में भी हो सकती हैं। तो बच्चों की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो नॉर्मली स्कोलियोसिस होती है जिसके लिए आज हम बात कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल स्कोलियोसिस डे है जिसमें बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये वाली प्रॉब्लम। उसके बाद मिडिल एज में जैसे मैंने अभी बताया आपको कॉर्पोरेट कल्चर में उसमें बैक पेन बिकॉज ऑफ बैड पॉस्चर रहता है। उसके बाद हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ओल्ड एज के रहते हैं। ओल्ड एज के पेशेंट्स में नॉर्मली डीजनरेटिव स्कोलियोसिस या फिर फ्रैक्चर्स या फिर टीबी स्पाइन या स्पाइनल ट्यूमर्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। टीबी पे ताकि जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं पीडियाट्रिशियंस हैं वो जल्द से जल्द बच्चों के स्कोलियोसिस को पकड़ सकें, कोवर को पकड़ सकें और स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास लेके आ सकें ताकि उसका इलाज सेफली किया जा सके। तो आज जो मेरा मैसेज है सबके सारे पेरेंट्स को, सारे टीचर्स को, सारे डॉक्टर्स जो बच्चों को मैनेज करते हैं, यही है कि अगर उनको किसी भी बच्चे में ये लगता है कि शोल्डर्स ऊंचे नीचे हैं या एक तरफ कोवर निकला हुआ है या जो अपनी कमर होती है वो इम्बैलेंस है, मतलब एक तरफ कमर बाहर निकली हुई है एक तरफ अंदर जा रही है, हिप्स अनबैलेंस हैं, ऐसे बच्चों को इमीडिएटली स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास लेके आएँ ताकि उसकी सर्जरी कर सकें। दूसरा पॉइंट मैं एक और रखना चाह रहा हूँ कि 15 साल पहले ये सर्जरी हमारे यहाँ सिर्फ मोस्टली सिर्फ एम्स में होती थी और एम्स में, मैं एम्स से हूँ, मुझे पता है वहाँ पे दो दो साल का वेटिंग पीरियड था बच्चों के लिए। अब हमने सर्जरी आर्टिमिस में शुरू की ऑलमोस्ट 2011 में और हम हर जो टेक्नोलॉजी इसके लिए चाहिए थी वो सारी लेके आए और अब तक हम ऑलमोस्ट 1500 स्कोलियोसिस की केसेस कर चुके हैं पिछले और ऑलमोस्ट 99% सक्सेस रेट के साथ। और अब जो हमारा आर्टिमिस हॉस्पिटल है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गया है स्कोलियोसिस के लिए और हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कोलियोसिस के लिए आप पेशेंट आते हैं। अगर आप अब यहाँ पर भी देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से, नाइजीरियन कंट्रीज, नाइजीरिया, इवन अरेबिक मिडल ईस्ट कंट्रीज, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऑलमोस्ट आई वुड से ऑलमोस्ट 80 कंट्रीज से हमारे पास पेशेंट आते हैं स्कोलियोसिस सर्जरी के लिए। तो इसमें इंडिया इज बिकमिंग अ मेडिकल डेस्टिनेशन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स सर्जरीज। थैंक यू। मैं ये बताना चाहूँगा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे हॉस्पिटल की टीम ने बताया है आज हम इंटरनेशनल स्कोलियोसिस अवेयरनेस डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है हमारी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी एक नॉर्मल पोजीशन होती है। अगर वो नॉर्मल पोजीशन से डिविएशन होता है, हट जाती है, जड़ी हो जाती है, पीछे की तरफ झुक जाती है, या अंदर सामने की तरफ झुक जाता है, हड्डी पीछे की तरफ जाती है, तो ये सब स्पाइनल डिफॉर्मिटी होती हैं जिसका करेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। एक तो कॉस्मेटिक करेक्शन जैसे डॉक्टर ने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पाइन आपकी टेढ़ी है तो आपको खुद को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगेगा कि मेरी स्पाइन ठीक नहीं है, बाकी लोगों की ठीक है,
आप एक किस्म से लोग इग्नोर करेंगे, आपको हो सकता है पॉसिबिलिटी देयर। मैं इसका इलाज यही है कि सबसे जब डिस्कवर होता है कि ये स्पाइनल डिफॉर्मिटी है या स्कोलियोसिस हो या कोई भी डिफॉर्मिटी है, जितना जल्दी करेक्शन हो सके उसका उतना अच्छा है, ताकि उसका टाइमली ट्रीटमेंट और उसका इलाज हो सके और जल्दी करेक्शन हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर करेक्शन टाइम से नहीं होगा तो इसके बाकी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे लंग के ऊपर प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, चलने की प्रॉब्लम, ब्लडर की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं अगर स्पाइनल डिफॉर्मिटी टाइम से करेक्शन ना हो। तो हमारे हॉस्पिटल में हर किस्म का अरेंजमेंट है, डॉक्टर्स बेस्ट हैं, एम्स के क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, फिर हमारे पास ओटी बेस्ट है, सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, आईसीयू की केयर बहुत अच्छी होती है। इसके बाद फिजियोथेरेपी, वो भी फैसिलिटीज बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं। तो मैं मेरा आर्टिमिस के साथ क्योंकि मैं हार्ट विद आर्टिमिस, मैं जितने भी लोगों को यहाँ लेके आया हूँ, सबसे बेस्ट डॉक्टर, सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बेस्ट केयर, और जो भी पेशेंट यहाँ से जाता है वो इतना खुश होकर जाता है कि हर जगह रिकमेंड करता है, क्योंकि आर्टिमिस एनसीआर दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स, नॉट ओनली हॉस्पिटल बट द मोस्ट स्किल्ड डॉक्टर्स एंड मोस्ट जैसे दिल से उनकी केयर करते हैं। तो पेशेंट 100% ठीक होकर जाता है और कहता है कि वाह ठीक हो आप, आर्टिमिस में ही आए। सो थ्री चीयर्स टू आर्टिमिस फॉर एवरीथिंग। बेटा एक बोल सकती हूँ ना, मेरा नाम रितेश सिंह चौधरी है, मैं झारखंड बोकारो से बोल रहा हूँ। मेरे स्कॉलेज मतलब रिलेटेड खेड़ी हो गई थी, जो मैं यूट्यूब में देखी डॉक्टर हिमांशु त्यागी को, तो दिल्ली आर्टिमिस हॉस्पिटल गुड़गांव, तो यूट्यूब में देखी आए यहाँ, तो स्कॉलेज अंदर अभी मैं बिल्कुल सीधी हो गई, ऑपरेशन हुआ सर्जरी थोड़ी वो एकदम बिल्कुल अभी सीधा है और फिट भी हो गया। किस उम्र में हुई थी आपकी ये स्पाइन सर्जरी? मेरे साल स्टार्टिंग लक्षण क्या था इसका? स्टार्टिंग लक्षण आप मेरा नाम पिंटू है, हम मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, अक्षता त्यागी है। इसको जब ये 6-7 साल की थी तो ये गिर गई थी, गिरने पे इसको थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था कि इसका एक तरह को टेढ़ा हो गया है, तो वही सब चलता रहा 2-3 साल तक, थोड़ा और ज़्यादा लगने लगा, वो पैर में भी इसको आने लगा। तो फिर हमने वहीं पर डॉक्टर को दिखाया मेरठ में, उन्होंने बताया कि इसकी जो हड्डी है ये टेढ़ी हो गई है, और ये जब 14 साल की हो जाएगी इसकी तब सर्जरी होगी। तो ऐसे ही टाइम देखता गया, ये 10-11 साल की होगी, तो इसको फिर ये इसकी रीढ़ में भी दिखने लगा, वो एक तरफ को टेढ़ा होने लगा ऊपर की तरफ। तो फिर हमने दोबारा डॉक्टर को दिखाया अभी मेरठ में, तो उन्होंने बोला कि अभी उसको बात करी कि पैर में दर्द है, ये है वो है, सारी चीज़ें डायग्नोज किया कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसे ही रहने दो, अभी 14 साल की जब ये हो जाएगी तब इसका ऑपरेशन होगा। इसको प्रॉब्लम होने लगती थी, इसको चलने में भी होने लगी थी, और इसको झुकने में, इसको ये सीधी लेट भी नहीं पाती थी क्योंकि कर्व जो है वो बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर हम एक डॉक्टर और थे उनको मिले, तो उन्होंने फिर MRI कराया, उन्होंने बताया कि ये स्कोलियोसिस होता है और सारी चीज़ें बताई उन्होंने, एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने बोला कि आप एम्स में चले जाओ। फिर हम एम्स में गए और सुबह ही पहुँच गए 6 बजे, पूरा दिन शाम तक ऐसे ही बिताया वहाँ पर। नंबर आया हमारा 3 बजे, फिर उन्होंने देखा, डायग्नोज किया, उन्होंने फिर जाँचें वगैरह लिख दी और कहा कि आप जो है 1 महीने बाद फिर आना। तो फिर हम जब शाम को वापस आए तो हम सर्च कर रहे थे इसके बारे में क्या कैसा होता है, उसी दिन पता चला था हितेश गर्ग का एक इंटरव्यू आया था इसी तरह का, कोई प्रोग्राम था, तो वहाँ पर हमने सुना, देखा, तो फिर थोड़ा सा लगा कि भाई नॉलेज हुई इसके बारे में। फिर हमने डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर साहब से मिले, लेकिन उससे पहले ही हमें बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई ऑपरेशन की बात जब आती थी तो कहते थे कि भाई स्पाइन को तो छेड़ना ही नहीं चाहिए, ये तो ये समझ लो कि अगर स्पाइन को छेड़ दिया तो बस जिंदगी खराब ही है, बेकार हो जाएगा।
काम ही नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर इसे नहीं करोगे तो भी इसकी ज़िंदगी खराब ही है, क्योंकि इसको ब्रीदिंग में भी दिक्कत आ रही थी, सांस लेने में भी इसको दिक्कत आ रही थी। ऐसे ही कर करा के जो है डॉक्टर साहब ने भी बताया, अच्छा बताया। अब ये भी गाँव में थे, हम गाँव में रहते हैं तो फाइनेंशियली भी इतना वो नहीं था कि 5-6 लाख रुपये खर्चे खर्चे के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं चलो करेंगे, हम कितना भी हमसे सपोर्ट हो पाएगा। इस तरह से पिछले साल 28 जून को इसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन भी सुबह से लेकर के 8 बजे ले गए थे और शाम को 3-4 बजे के बाद लंबी सर्जरी चली। तो डर तो था ही बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद में फिर तीसरे दिन ही उन्होंने जो है बेड इसको खड़ा कर दिया, इसको चला भी दिया था। 5 दिन के बाद हमारी छुट्टी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी इसको 20-25 दिन तक बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। कभी इस पैर में दर्द है, कभी उधर कंधे में दर्द है, पूरा बॉडी में दर्द रहा है। लेकिन 1 महीने के बाद फिर ऐसा समझो कि वो दर्द मतलब छुमंतर हो गया।